गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं डॉक्टर सरिता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं, मांग की लोच, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की लोच से क्या तात्पर्य है? मांग की लोच से मतलब होता है कि वस्तु की मांग और कीमत, इन दोनों के बीच में परस्पर संबंध की मात्रा को जो व्यक्त करता है। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की कीमत, किसी अन्य वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय, इनमें होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन को मापे, वो मांग की लोच कहलाती है। मांग की लोच तीन प्रकार की होती है मुख्य रूप से। पहला, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दूसरा, मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और तीसरा, मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हम देखेंगे मांग की कीमत लोच के प्रकार। मांग की कीमत लोच से तात्पर्य होता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांगी गई मात्रा पर क्या परिवर्तन पड़ता है, ये मांग की कीमत लोच बताती है। मांग की कीमत लोच मुख्य रूप से पांच प्रकार की होती है। पहला, पूर्णता लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। पूर्णता लोचदार मांग जो होती है, इसमें किसी वस्तु की कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हो या कोई भी परिवर्तन ना हो, लेकिन वस्तु की मांगी गई मात्रा में जब बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाता है, वो वस्तु की पूर्णता लोचदार मांग कहलाती है। ये काल्पनिक स्थिति है जो कभी वास्तविक जगत में बहुत देखने को नहीं मिलती। चलिए इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो ये है पूर्णता लोचदार मांग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसमें हम देखते हैं कि हमने एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत। आपका ये पी डी जो है, ये मांग वक्र है जो एक्स अक्ष के समानांतर है। इसमें देखते हैं वस्तु की कीमत ओपी है, तब वस्तु की मांगी गई मात्रा ओ एन है, और जब कीमत ओपी ही रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब भी वस्तु की मांगी गई मात्रा ओ एन से बढ़ के ओ एन वन हो जाती है। मतलब कीमत में बिल्कुल परिवर्तन ना होने के बावजूद भी मांगी गई मात्रा एन से बढ़ के एन वन हो, इतना इसमें अंतर हुआ। तो इस तरह से ये पूर्णता लोचदार मांग। दूसरा, अत्यधिक लोचदार मांग, अत्यधिक लोचदार मांग कहलाती है कि जिसमें वस्तु की कीमत में थोड़े से परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाए। ऐसा ज्यादातर विलासिता की वस्तुओं के संबंध में होता है। इसमें हम देखते हैं चित्र की सहायता से कि हमने एक्स अक्ष पर वस्तु की मांगी गई मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत यदि ओपी है तो वस्तु की मांगी गई मात्रा ओ एन है। यदि वस्तु की कीमत में ओ पी से गिर के ओ पी वन हो जाती है, मतलब यदि 10% की कमी आती है, तो वस्तु की मांगी गई मात्रा ओ एन से बढ़ के ओ एन वन हो जाती है। मतलब 10% की कमी होने पर इसमें 20% की वृद्धि हो रही है। मतलब कीमत में थोड़े से परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में ज्यादा परिवर्तन होता है, ये विलासिता के संबंध में होती है। फिर तीसरा है लोचदार मांग, इलास्टिक डिमांड। लोचदार मांग में इसमें कि वस्तु की कीमत में जितना परिवर्तन होता है, ठीक उसी के अनुपात में उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है। जैसे सामान्य आवश्यकता की वस्तुओं के संबंध में होता है, इसमें भी हमने एक्स अक्ष पर मांगी गई मात्रा दिखाया है, वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत। यदि वस्तु की कीमत ओपी है तो वस्तु की मांगी गई मांग ओ एन है। यदि कीमत ओपी से गिर के ओपी वन होती है तो वस्तु की मांग ओ एन से बढ़ के ओ एन बन हो जाती है। मतलब कीमत में यदि 10% यदि कमी होती है तो मांगी गई मात्रा में भी 10% वृद्धि होती है। तो ऐसा ये सामान्य जो उपभोग की वस्तुएं होती है उनके संबंध में होता है कि जितनी कमी या वृद्धि होती है, ठीक उसी के अनुपात में मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी होती है। चौथा, बेरोजगार मांग, बेरोजगार मांग इन इलास्टिक डिमांड। की वस्तु की कीमत में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाने पर भी मांगी गई मात्रा में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, बहुत थोड़ा परिवर्तन होता है। ऐसा ज्यादातर होता है जो हमारे जीवन के लिए जरूरी सामान होते हैं, जैसे नमक है, माचिस है, गेहूं है, इन सब चीजों के संबंध में। यदि कीमत में मान लीजिए, देखते हैं हम एक्स अक्ष में, इसमें देखते हैं एक्स अक्ष पर हमने मांगी गई मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर हमने कीमत दिखाई है, डीडी हमारा मांग वक्र है। यदि वस्तु की कीमत ओपी से गिर के ओपी वन हो जाती है तो मांगी गई मात्रा ओ एन से बढ़ के ओ एन वन,
यदि मतलब कीमत में 20% की वृद्धि कमी होती है तो मांगी गई मात्रा में सिर्फ 10% की कमी हो रही है। तो ऐसा होता है कि इनमें कीमत में परिवर्तन का मांग पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। पूर्णता बेरोजगार मांग, इसमें वस्तु की कीमत में चाहे जितना परिवर्तन हो मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं, ये भी काल्पनिक स्थिति है और ज्यादातर इसमें बहुत कम देखने मिलता है। इसमें हम देखते हैं एक्स अक्ष पर हमने मांगी गई मात्रा दिखाई है, वाई अक्ष पर हमने कीमत है, हमारा जो पीडी मांग वक्र है वो वाई अक्ष के समानांतर है। इसमें देखते हैं कि यदि वस्तु की कीमत ओपी है तो भी मांगी गई मात्रा हमारी ओपी है, ओडी है, और यदि कीमत ओपी से घट के ओपी वन हो जाती है तब भी हमारी मांगी गई मात्रा ओडी ही रहती है। मतलब कीमत में परिवर्तन होने पर भी मांगी गई मात्रा हमारी जो की जो बनी है। तो ये पूर्णता बेरोजगार मांग है। अब हम देखते हैं कि मांग की आयलोज, मांग की आयलोज कहलाती है कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो मांग की आयलोज कहलाती है। इसमें आयलोज तीन प्रकार की होती है, धनात्मक आयलोज, ऋणात्मक आयलोज और शून्य आयलोज। धनात्मक आयलोज जो होती है ये आपकी सामान्य वस्तुओं के संबंध में होती है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्रा में भी वृद्धि हो जाती है, और आय में कमी होती है तो मांगी जाने वाली मात्रा में कमी हो जाती है। इसमें जो सीधा संबंध होता है, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ेगी, कीमत घटने पर मांग में कमी हो जाती है। दूसरा है ऋणात्मक आयलोज, मतलब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने पर मांग में कमी हो जाए और कमी होने पर वृद्धि हो जाए। ऐसा घटिया वस्तुओं के संबंध में होता है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो वो घटिया वस्तु की मांग न करके अच्छी वस्तु की मांग करने लगता है, और यदि आय कम हो जाती है तो चूंकि श्रेष्ठ वस्तु उसकी पहुंच से बाहर हो जाती है इसलिए वो निम्न वस्तुओं की मांग करने लगता है। शून्य आयलोज, जिसका की कीमत से आय का वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, जैसे नमक है, दवाइयां है, माचिस है, इनका कि आय बढ़े या घटे इनकी जितनी मांग है वो मांग हमेशा बनी रहेगी, तो ये मांग की आड़ी शून्य लोच कहलाती है। तीसरा है आड़ी मांग की लोच, आड़ी मांग की लोच कहलाती है दो संबंधित वस्तुओं के संबंध में कि यदि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन होता है वो मांग की आड़ी लोच कहलाती है। इसमें पूरक वस्तु और प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में होता है, ये भी तीन प्रकार की होती है, धनात्मक आड़ीलोच, ऋणात्मक आड़ीलोच और शून्य आड़ीलोच। धनात्मक आड़ीलोच कहलाती है आपकी ये प्रतिस्थापन वस्तुओं के संबंध में। इसमें सीधा संबंध होता है कि सामान्य वस्तुओं के प्रतिस्थापन वस्तु में जैसे चाय और कॉफी, यदि एक की कीमत बढ़ती है तो दूसरे की मांग में वृद्धि हो जाती है, यदि एक की कीमत घटती है तो दूसरे की मांग में भी कमी हो जाती है। दूसरा है आपका ऋणात्मक आड़ीलोच, ऋणात्मक आड़ीलोच कहलाती है, ये पूरक वस्तुओं के संबंध में होती है। पूरक वस्तु से तात्पर्य कि जब हम एक के बिना दूसरे का उपयोग नहीं कर सकते हैं वो पूरक वस्तु कहलाती है। इसमें यदि एक वस्तु की कीमत में यदि कमी होती है तो दूसरी वस्तु की जो मांग होती है उसमें परिवर्तन पड़ता है। यदि एक वस्तु की कीमत में उससे संबंधित वस्तु की कीमत मांग में परिवर्तन होता है, यदि एक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो संबंधित वस्तु की मांग में भी परिवर्तन होता है। जैसे आपका तेल और गाड़ी, या आपका नमक, ये पेन और स्याही में इसमें ये रहता है कि यदि एक वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उससे संबंधित वस्तु की मांग में भी कमी वृद्धि हो जाएगी, और एक में भी वृद्धि होती है तो संबंधित वस्तु की मांग में कमी हो जाएगी। फिर तीसरा होता है शून्य आड़ीलोच। शून्य आड़ीलोच का संबंध वस्तु की कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि अनाज की यदि कीमत बढ़ जाए तो कपड़ों की मांग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या यदि अनाज की कीमत बढ़ती है तो कपड़े की मांगी जाने वाली मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं होता। इस तरह से मांग की लोच तीन प्रकार की है, आय लोच, आड़ी लोच और कीमत लोच। थैंक यू।